और भैया कितने का दिए? 300 का। अरे नहीं भैया, 300 रुपए का क्यों दिए, बहुत महंगा हो गया ये तो, थोड़ा कम कीजिए। बहुत पैसे चार्ज करते हो आप, हाँ बहुत पैसे चार्ज करते हो, थोड़ा कम कीजिए। चलिए ना, मेरा ना आपका एक मिड रेट सेट करते हैं, और यही आपके लिए बढ़िया भी होगा। दोस्तों अक्सर ये चीजें आप भी फेस करते होंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप भी किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपके साथ भी ये कन्वर्सेशन आपका कस्टमर तो जरूर करता होगा, और अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप भी दुकान में जाकर कुछ ऐसे ही आर्ग्यूमेंट जरूर करते होंगे। आज की ये वीडियो टोटल इसी टॉपिक पे है। आज आपको ले चलता हूं इस प्राइस नेगोशिएशन की पूरी जर्नी में, बताऊंगा कुछ खास पॉइंट्स कि आप कैसे प्राइस के लिए नेगोशिएशन कर सकते हो, कैसे कस्टमर को मनचाहे दाम पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, या फिर आप अगर कस्टमर हैं तो कैसे अपना मनचाहे दाम पर अपने दुकानदार से अपना सामान ले सकते हैं। इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको बहुत सारे स्किल, आपको पता है ना, आप मेरी वीडियो में है। हर बार जब भी वीडियो लाता हूं कुछ नई बातें आपको बताता हूं, इसीलिए तो दोबारा आपके प्यार के लिए वापस वीडियो लेकर आता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर बड़े ही सॉलिड वीडियो के साथ। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की पूरी कहानी मेरी जुबानी। सबसे पहले प्रोडक्ट नेगोशिएशन को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि नेगोशिएशन कितने प्रकार के होते हैं। भैया नेगोशिएशन ना दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल नेगोशिएशन अर्थात वो तरीके जिन तरीकों से आप कस्टमर के दिमाग में बिना नेगोशिएशन का प्रोसेस डाले, या फिर एज अ दुकानदार आप कस्टमर को पता भी नहीं लगने देते कि वो नेगोशिएशन का कोई गैप नहीं रह जाता, खत्म कर देते हैं, ये फॉर्मल तरीके होते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चराइज्ड मेथड्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने कस्टमर को नेगोशिएशन का मौका ही नहीं देते। और दूसरा इनफॉर्मल नेगोशिएशन, जहां पर कस्टमर आपसे नेगोशिएशन कर रहा होता है और आप कस्टमर पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, कई बार कस्टमर की विजय हो जाती है आप पर और आपसे बहुत ही कम रेंज में, बहुत ही कम मार्जिन के साथ प्रोडक्ट कस्टमर लेके चला जाता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल नेगोशिएशन के लिए आपको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आप नेगोशिएशन प्रोसेस में उतरना चाह रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट के लिए नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या है, मतलब नॉलेज होना चाहिए। दूसरा एक स्किल होना चाहिए, इसमें एक कम्युनिकेशन स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि हम भी जब बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं ना, वहां पे सबसे पहला चैप्टर कम्युनिकेशन के ऊपर ही होता है। बिजनेस ट्रेनिंग पता कर लो भाई, हाँ बैचेस लगातार चल रही है बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर, आप भी इंक्वायरी कर लीजिए कि पूरी की पूरी बिजनेस की ट्रेनिंग, पूरी क्लासेस कैसे, प्रैक्टिकल क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। खैर मुद्दे की बात करते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए जब आप नेगोशिएशन में उतर रहे हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको नॉलेज भी है, आपको प्रोसेस भी पता है, लेकिन व्हाट अबाउट द रिजल्ट। कहने का मतलब जब भी आप नेगोशिएशन कर रहे हैं उस पे रिजल्ट पे बात कीजिए कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा। चौथा पॉइंट होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज में, जब भी आप नेगोशिएशन कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि जहां पर आपको एक प्रॉपर एग्जांपल भी देना होगा कि अरे वहां पे तो ऐसा मिल रहा था, पिछले 10 दिन पहले मैंने लिया हुआ था। जब ये पांचों पॉइंट आप कवर करते हैं तो बहुत अच्छे इस प्रोसेस को आप निभा सकते हैं। और अब सीधे लिए चलता हूं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि कौन कौन से वो ट्रिक होंगे जिनके जरिए आप बहुत अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा वो सिचुएशन होगा जिससे आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए नेगोशिएट नहीं करेगा या फिर आपको बहुत अच्छा प्राइस देकर जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है, जब भी आप नेगोशिएशन करने के लिए जाते हैं आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने प्राइस पर टिके रहने के लिए कंडीशन डाल सकते हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि मैडम देखिए इसकी प्राइस तो नहीं कम होगी, सर इसकी प्राइस तो कम नहीं होगी, लेकिन आप चाहे तो इसके साथ ये लेकर जा सकते हैं। यहां पे आपने कंडीशन डाल दिया कि भैया अगर प्राइस कम करवानी है तो आपको साथ में ये लेना पड़ेगा। आप और भी कंडीशन सप्लाई कर सकते हैं। देखिए प्राइस जो आप मांग रहे हैं वो तो एक प्रोडक्ट के साथ नहीं हो पाएगी, हां दो प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो हम इतना कम कर सकते हैं। मतलब कि कभी भी सेल्स जब आप कर रहे हैं और आपसे सामने वाला नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है तो आप वहां पे कंडीशंस अप्लाइड का नारा शुरू कर दे सकते हैं, जिससे या फिर आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, आप फर्स्ट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे, या फिर सामने वाला आपसे नेगोशिएशन नहीं करेगा और
आप उस डील को बड़ी आसानी तरीके से क्लोज कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट होगा इफ आई विल यू नेगोशिएशन। ये क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपकी बातों से एग्री कर रहा हूं तो क्या आप ये करेंगे। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली या फिर चलिए मैं आपको 120 में दे देता हूं तो क्या आप ये कर सकते हैं, तो क्या आप 4 लेंगे, क्या आप 5 लेंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कंडीशनल नेगोशिएशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आप सामने वाले की बात मानने के लिए अपनी एक बात सामने प्रस्तुत करते हैं कि अगर मैंने ये किया तो क्या तुम ये करोगे। अक्सर बचपन में मम्मियां ये बहुत करती हैं बच्चों के साथ, तुम खा लो तो उसके बाद मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगी, या फिर तुम ये पी के खत्म कर लो इसके बाद मैं तुम्हें ये दूंगी। ये एक तरीके से क्या होता है, इफ आई विल यू नेगोशिएशन प्रोसेस होता है कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। इस प्रोसेस के जरिए भी आप बहुत जल्दी अपने कस्टमर के साथ अपनी डील क्लोज कर पाएंगे। तीसरा नेगोशिएशन होता है विन विन सिचुएशन। यहां पे क्या होता है, बहुत बार ये सिचुएशन अक्सर यूज की जाती है, इवन दैट आज के मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इसी सिचुएशन का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये कहलाता है विन विन सिचुएशन, जहां पे आपका कस्टमर भी जीत जाता है और आप भी जीत जाते हैं। मतलब वैसे तो ये प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं, वैसे तो जो प्राइस बोल रहे हैं ये नहीं हो पाएगा, इससे नीचे मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन चलिए आपके लिए ये कर देता हूं कि विन विन सिचुएशन, ना मेरा ना आपका। अगर 150 की चीज है आप 100 बोल रहे हैं, इसको हम 125 में डन करते हैं। जहां पर आपने विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मैं भी जीत रहा हूं आप भी जीत रहे हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये प्राइस तो कम नहीं होगी लेकिन साथ में आप ये लेकर इसके साथ एक गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे जिसमें आपको ये बैकअप मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, कुछ भी, जहां पे दोनों की विजय हो जाए, आप भी खुश हो जाए, सामने वाला भी खुश हो जाए, सामने वाला भी जो प्राइस कम कराना चाह रहा था आपने कम नहीं किया, आप जीत गए, और सामने वाले को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, मतलब प्राइस की मदद से वो अपनी कुछ पैसे बचाना चाहता था, उसके बदले उसको कुछ एक ऑप्शन नए मिल गए जिससे वो भी संतुष्ट हो गया, वो भी जीत गया। तो विन विन सिचुएशन भी नेगोशिएशन का एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। चौथा पॉइंट है नेगोशिएशन का डेडलाइन नेगोशिएशन। डेडलाइन नेगोशिएशन क्या होती है कि कई बार आप नेगोशिएशन करने के लिए कस्टमर को एक डेडलाइन दे देते हैं। कहने का मतलब कि मैडम देखिए, वैसे तो ये प्रोडक्ट हमारा इस पॉइंट पे है या फिर इस रेंज का है, लेकिन अगर आप विद इन 24 आवर, विद इन 10 आवर, विद इन 5 आवर, विद इन 2 आवर्स ये प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं तो हम इतने में आपको दे देंगे। ये डेडलाइन ऑफर होता है, आपका कस्टमर उससे भी कम में मांग रहा होता है, लेकिन आपने अपने कस्टमर को एक डेडलाइन दे दी कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ये इतना हो रहा है, उसके बाद तो ये बिकेगा इतने में ही, सिर्फ 24 घंटे के लिए आपको इतने में मिल जाएगा लेकिन ये बिकेगा तो इतने में ही। तो उससे क्या होता है, कस्टमर के दिमाग के साथ एक क्लैरिटी हो जाती है, कस्टमर के दिमाग में आप एक मैसेज डाल देते हैं कि अगर 2 घंटे में नहीं लिया तो ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी, इसको आप सेम प्राइस में फिर आपको लेना पड़ेगा, आपको वही तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो डेडलाइन नेगोशिएशन भी बड़ी कारीगर होती है और ये कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रेजेंट करती है। और पांचवा नेगोशिएशन प्रोसेस है अप टू डाउन नेगोशिएशन। आज के मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन यही नेगोशिएशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक की चीज को ऑलरेडी 300-400 बताते हैं, अब उनको पता है कि अगर कस्टमर आएगा भी, मांगेगा भी, तो 300 की चीज को कितना ही कम करेगा, 300 चीज को हो सकता है 250-200 में लेके जाए। तो ये क्या होता है अप टू डाउन नेगोशिएशन, मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस को हाई कर देते हैं, उसके बाद डाउन करता है कस्टमर अपने हिसाब से, अपने रेंज से, कि 300 की चीज को कितना ही डाउन करेगा, 150 भी कर रहा है फिर भी वो 50 रुपए प्रॉफिट कमा ही लेते हैं, राइट। तो अप टू डाउन का फॉर्मूला भी बहुत ट्रेंडिंग चलता है, बहुत सारे बिजनेसमैन यूज करते हैं, बट अब उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप बाकी फॉर्मूले भी यूज करेंगे अपने बिजनेस में नेगोशिएशन के लिए। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट आपको देने वाला हूं नेगोशिएशन के लिए, वो होता है बाय बाय नेगोशिएशन। बहुत सारे बिजनेसमैन अक्सर ये करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को जब कस्टमर रेंज से ज्यादा या बहुत कम गिरा देता है आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को, तो अक्सर दुकानदार ये बोल दिया करते हैं माफ कीजिएगा ये तो नहीं हो पाएगा, दैट इज क्लियर बाय बाय नेगोशिएशन। ये भी एक तरीके का नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। बहुत सारे इसके ऊपर फनी मीम्स भी आपने देखे होंगे कि लोग एक प्राइस बोलते हैं और फाइनली वो एक्सेप्ट नहीं करता, जाने लगते हैं, फिर दुकानदार बुला लेता है उनको कि चलो ठीक है आओ लेके जाओ। कहने का मतलब कि कई बार जब आपका प्रोडक्ट आपके रेंज में आपको लग रहा है कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट की रेंज इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो आप बाय बाय नेगोशिएशन का भी यूज कर सकते हैं कि माफ कीजिएगा मैडम ये प्रोडक्ट मैं नहीं दे पाऊंगा इस कीमत पे, जिंदगी में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा इसमें एक्टिव, थोड़ा सा इसमें एकदम स्माइली, बहुत सारे कस्टमर्स ये करते हैं, बहुत सारे दुकानदार भी ये करते हैं, एकदम हंस देते हैं जैसे ही प्रोडक्ट सुनते हैं, जैसे ही प्राइस सुनते हैं और मोड़ के उसको रखने लगते हैं, राइट। कि उनका क्लियर होता है कि मतलब ये प्रोडक्ट इस प्राइस में तो मैं जिंदगी में नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, और ये मैसेज कस्टमर के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट करता है और वो बाय बाय नेगोशिएशन के जरिए भी आपकी बात मान लेता है, जैसे कि आप मेरी बात मानते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए, पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए और मेरे साथ इस नेगोशिएशन प्रोसेस को पूरा सीखने के लिए
आप सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। जय हिंद।